हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। एंड आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपके जो डर्टी नेल्स होते हैं, जिनके नेल्स लॉन्ग होते हैं और जिनके डर्टी होते हैं, उनके अंदर डस्ट घुस जाती है, तो आप उनको क्लीन कैसे करें। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें जो है पानी लेना है, ये पानी ना गर्म लेना है ना ठंडा लेना है, रूम टेम्परेचर पर मतलब नॉर्मल वाटर लेना है हमें ये। और इस नॉर्मल वाटर में हमें जो है थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है। यहाँ पे मैं हाफ़ टी स्पून से भी बहुत थोड़ा सॉल्ट इसमें ऐड कर रही हूँ, और इस सॉल्ट को अच्छे से जो है मिक्स कर देना है। गाइस, सॉल्ट जो है ये आपके नेल्स में एब्जॉर्ब होके जो डस्ट होगी उसको अपने अंदर ले लेगा और इजली रिमूव कर देगा। एंड सॉल्ट जो है आप ये सॉल्ट जो है ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं कि आपके नेल्स ढंग से अच्छे से डर्ट उनके अंदर से निकल जाए तो आप इस सॉल्ट को ऐड कर सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है हमारा लेमन। गाइस, आपको लेमन लेना है, उनको एक लेमन लेना है और उसको बीच में से इस तरह से कट कर देना है। अब जो लेमन है ये इसके बीज निकाल के हमें इसे स्क्वीज़ कर लेना है। गाइस, हमें इसे स्क्वीज़ तो करना है, लेकिन हमें इसे पूरी तरह से स्क्वीज़ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे मैं कर रही हूँ इस तरह से करना है, थोड़ा सा रस इसके अंदर रहना चाहिए। ऐसे ही हम दूसरे लेमन का करेंगे, हम इसके जो बीज होते हैं उन्हें सीड्स को जो है रिमूव कर देंगे और इस लेमन को स्क्वीज़ कर लेंगे, लेकिन पूरा स्क्वीज़ नहीं करना है। वो भी आपको पता चलेगा कि पूरा स्क्वीज़ क्यों नहीं करना है, उसके पीछे भी कुछ रीज़न है। तो प्लीज़ गाइस, पूरा स्क्वीज़ नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा रस इसके अंदर बचना चाहिए। या तो यहाँ पे हमने जो है ये अपने दोनों लेमन्स को स्क्वीज़ कर लिया था, ये देखो इस तरह से हमने जो है स्क्वीज़ कर लिया। और अब हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब जो हमारे लेमन थे हम उनको इस तरह से पानी में जो है डिप करेंगे और अपने नेल्स के बीच में रख के इस तरह से, जिस तरह से मैं मसाज कर रही हूँ, इस तरह से रेगुलरली मसाज करेंगे। जिस तरह से मैं कर रही हूँ गाइस, ध्यान रखिए इसी तरह से कीजिएगा। नेल्स के अंदर तक घुसेड़ के मसाज कीजिएगा आप पानी में डिप कर करके, ताकि जो डस्ट है वो बाहर निकल जाए। इसी तरह से हमें कम से कम 5-7 मिनट तक ऐसे ही जो है अपनी नेल्स पर रब करना है, जैसे मैं कर रही हूँ। जिनके नेल्स जो हैं लॉन्ग होते हैं उनके लिए तो ये बहुत बेस्ट है, बाकी शॉर्ट वालों के नेल्स जो होते हैं उन्हें ये शाइनिंग भी देगा और बहुत ज़्यादा क्लीन भी करेगा। अब देखिए अंदर से कितनी डस्ट है, यहाँ भी हम इसको इस तरह से घुसा के। अब हमें जो है 5-7 मिनट तक मैंने रेगुलरली मसाज की थी, अब आप देख रहे होंगे मेरे नेल्स में जो है थोड़ी बहुत शाइनिंग आ रही है। अब मैंने जो है अपने हैंड को वॉश कर लिया और अब आप देख सकते हैं मेरे नेल्स में अलग से ही कितनी शाइनिंग आ रही है। तो गाइस, ये जो है ये जो मेरी रेमेडी है ये 101% वर्क करती है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब।